नहीं होता है। हाँ चल, बोले उंगली की है तुमने बीच में। Assalamualaikum my YouTube family, कैसे हैं आप सब? Hope you are very well. So welcome back to another vlog of Nagma Aslam. तो ये है सैटरडे नाइट की वीडियो है और यहाँ पे हम लोग ना जा रहे थे मुंबई सेंटर शॉपिंग के लिए, तो तरावी की नमाज़ वगैरह पढ़कर फिर निकले हैं घर से, क्योंकि उससे पहले नहीं जा सकते हैं और दोपहर में भी हिम्मत नहीं होगी जाने के लिए, इसीलिए सबसे अच्छा है रात में जाना। मेरे 50 रुपये लेते थे, अभी क्या मालूम कितना। आप लोग एक बार आए तो 60 रुपये लेते थे ना। तू पहला स्टार्ट में आज के टाइम पे 60 के टाइम पे अभी 75 होगा। पहला 50 था जी, भी गुरी से गए थे हो गए। चाचा के साथ आए थे ना एक बार, बहुत पहले नया बना था। गल जर्नी 85 रुपीस है भाई। 85 10 रुपये और बढ़ गया। अरे हां, हवा बाहर से आएगी ना, कांच खुला रहेगा तब। वन वे ही है ना यहाँ पे। अच्छा वो सेकंड, हाँ तो वो तरफ से लो ना थोड़ा। सीलिंग पे आए वही बताते हैं। अच्छा मीटर वगैरह बताओ उसको, क्या आए देखिए सीलिंग का ही मिल रहा है। पहले बोलना था तू लाए कि नहीं यार। मोबाइल और पर्स संभालना बस। मेरा पास पैसा है उसके अंदर तो फिर जाने दे। कार्ड चाहिए क्या? क्या कार्ड लेने का है? कार्ड कार में है पर्स। हम लोग उल्टा काम आए हैं। इसके लिए बैठे हाँ जी। 1550 क्या प्राइस है? सही है और सही है, पर ये नीचे का जो है ये थोड़ा ये देखो है यहाँ ये वही वाली तो ये हम लोग जब मार्केट में थे ना उसी वक्त हादसा पेश आया। तो ये कस्टमर से ना दुकान वाले ने कुछ उल्टी बात किया या मतलब रूड बिहेवियर किया, तो उसने वो उसको गुस्सा आया कस्टमर को और वो वहाँ से उस वक्त तो कुछ खाली बोल बोल के चला गया और उसके बाद थोड़े टाइम बाद ना तलवार लेकर आए टीम के साथ और फिर हाथापाई करे, मारम पीटी किए और दुकान वगैरह सब तोड़ फोड़ दिए, सामान इधर उधर कर दिए सारा। जहाँ पर सब जान बचा बचा कर भाग रहे थे वहाँ पर देखे यहाँ ये ब्लैक कुर्ते वाले भाई क्या हिम्मत दिखाए, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा लेकर कपड़े का लड़ने के लिए आ गए, उसके हाथ में तलवार और ये कपड़ा लेकर लड़े, मार भी खाए बहुत,
इस तरह से नहीं करना चाहिए इन लोगों को जबरदस्ती की मारम पीटी। सामान तहस नहस किए वो ठीक था, लेकिन मारना नहीं चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए, नहीं होता है। हाँ चल रही, रुको आलू कान दो। तो जोगेश्वरी में जाने से पहले फिर हम लोगों को भी लेने का था ना। क्या हुआ, नहीं चल रहे हो, नहीं जाने का? चलो चलो, किधर जा रहे हैं? आफीफा भूख लगी है? नहीं, क्या हुआ? चलो चलो अंदर, जाने तो कोई मतलब नहीं है जाके। वैसे भी अगर अभी खाएंगे ना तो जाते जाते थोड़ी भूख और लग जाएगी। चलो फिर चलो बाहर निकलो, चलो। और अब हम लोग चले गए, जा रहे हैं, शॉपिंग वगैरह हो चुकी है, थोड़ी बहुत जितनी भी करनी थी कर लिए हैं, अब निकल गए हैं जोगेश्वरी घर के तरफ। फिर जोगेश्वरी से सहरी वगैरह कर फिर चले जाएंगे। यहाँ पर बहुत रश थी, टाइम बहुत लग रहा था, इसलिए निकल गए हम लोग। अहमद देखिए घर पहुँचते पहुँचते 6 बज गए हैं, और अम्मी को ड्रॉप करके फिर वहाँ से आते समय ना मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ने लग गए थे, रास्ते में जमात से पढ़ना था तो पढ़ने लग गए, फिर वहाँ से निकल उकल कर आने में और टाइम लग गया, तो बहुत देर हो गई। तो अब मैं पढ़कर फिर सो गई थी उस वक्त फिर, और अब ये मॉर्निंग की वीडियो है। तो जब नए कपड़े लेती हूँ ना मैं, तो जितने भी पुराने होते हैं ना, जो पहले पहले लिए होती हूँ, वो निकालते जाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे यहाँ मांगने वाले भी आते हैं, तो वो लोग को डोनेट कर दो। और मैं ज़्यादा कपड़ा रखती भी नहीं हूँ कि बहुत सारा ढेर सारा कबट में भर के रखूँ, अपने कपड़े में जैसे जैसे नए एक अगर लेती हूँ तो एक निकालते जाती हूँ। डेली वेयर के मैं सिर्फ 5-6 जोड़े ही रखती हूँ, और यहाँ पर अभी ये कपड़े निकाल रही हूँ देने के लिए। अब नए कपड़े कबट में आ रहे हैं, तो जो थोड़े पुराने हो गए, अच्छे कपड़े जो देने लायक हो उसे निकाल दूँगी, और जो फटे फुटे होते हैं कॉटन वगैरह के जो भी होते हैं ना, उसे कट पुट करके ना छोटी छोटी चिंदी बनाकर मैं रख ली हूँ किचन वगैरह पोंछने के लिए, कभी कोई चीज़ गिरी तो क्लीन करके फेंक दो। और खाली मैं अपने ही कपड़े ना इस तरह से निकालती हूँ कि एक ली तो एक निकाल दूँ, बच्चों के नहीं निकालती क्योंकि बच्चों के ना ज़्यादा लगते हैं, जब उन लोगों के छोटे होने लग जाते हैं ना, उन लोगों वो लोग बढ़ते हैं, छोटे हो गए तब निकालती हूँ उन लोगों के कपड़े। जो बच्चों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं ना, वो देखे मैं इस तरह से कट करके रख लेती हूँ, ये अच्छे रहते हैं, किचन अच्छे से इससे क्लीन होता है। तो ये देखे एक थैली भर के मैंने कट करके भी रखी हूँ इसे। और मैं ना सिलाई कर रही थी, तो आफीफा धागे का जो डब्बा है ना निकाल ली थी, और मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, मैं अपना सिलाई में मगन थी, और यहाँ पर इसने पूरा धागा सुई वगैरह सब कुछ फैला कर रख दिए, टॉचनी वगैरह उसके अंदर है सब बिखेर दी है, धागे की पूरी खिचड़ी बना दी है इसने। और देखिए किस तरह से ना उठा उठा कर दे भी रही है, और ये इसके हाथ में ना टॉचनी ज़्यादा आती है, वही उठाती है, डर भी लगता है कहीं चुभ ना जाए, लेकिन उठा कर भी वही देती है। अच्छा ये देखो क्या करके रखे हो पहले तो तुमने, हाँ गली वगैरह सब जो है कट करके रख दिए। हाँ ये आफीफा की कमीज कट की हुई थी, तो ये अहमद ने क्या किया ना, कैंची लेके उसका शोल्डर वगैरह कतर के रख दिया है। तो ये देखिए ये जो ब्रूम है ना, इसमें किस तरह से धागे बाल पता नहीं क्या क्या कौन कौन से कचरे जो जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना क्लीन नहीं होता है घर।
तो मैं तो कुछ वक्त पहले सोच रही थी कि मुझे न्यू ही लेनी पड़ेगी। मैं ये वाली इसलिए लाई थी ना, ब्रूम्स की मतलब लंबे समय तक चलेगी और मुझे ना मार्केट बहुत वक्त पर जाती हूँ ना तो मैं ला नहीं पाती, इसलिए ये लाई थी कि ये लंबे समय तक चले। लेकिन ये ना इस तरह से इसके अंदर धागे बाल वगैरह ऐसे फंस जाते थे ना कि क्लीन ही नहीं होता था। फिर सोचते बैठी थी मैं, फिर मेरे पास ना ये कॉम्ब रखी थी एक ख़राब, तो मैंने सोची कि इसका इससे निकाल लेती हूँ। तो ये एकदम अच्छे से ना इसके जो एक एक ब्रूम्स है ना सब एकदम क्लीन हो गए, इसके अंदर से धागे बाल वगैरह सब निकल गए। उसके बाद से मैं इसी तरह से इसे क्लीन करती हूँ। तो मैंने सोचा है अपना आइडिया है मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो अभी जो धागा और बाल वाल तो मेरे काफ़ी झर भी रहे हैं तो वो फंस भी जाते हैं। तो अभी आफीफा ने जो रायता फैलाई थी ना, झाड़ू वगैरह लगाई, तो इसमें पूरे फंस गए थे। तो देखिए किस तरह से एक एक ब्रूम पूरे अलग हो चुके हैं। और अब झाड़ू लगाएंगे ना तो एकदम अच्छे से धूल वगैरह सब क्लीन होगी। कुछ वक्त पहले तो ये ऊपर के बड़े बड़े कचरे हट जा रहे थे और धूल वगैरह जो जमा रह रही थी वो ज़मीन पर से हट ही नहीं रही थी। तो उसके बाद ये आइडिया लगाने के बाद मैं ये जो टूटा हुआ कंघा है ना मैं इसे रखे ही रहती हूँ और जब भी मुझे काम लगता है बस मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया, इसके सारे ब्रूम जो है एकदम अलग अलग हो गए हैं। और आज जो है ना हम लोगों को दावत थी मेरी देवरानी के यहाँ, तो मैं कब से वेट कर रही थी आफीफा सोकर उठेगी नहीं उठी। तो अभी बज रहे हैं 5 और ये अभी जस्ट सोकर उठी है। तो इसका बस मुंह वगैरह धुला कर इसके कपड़े वगैरह चेंज कर दूंगी और फिर यहाँ से निकल जाएंगे, वरना मैंने जल्दी जाने की सोची थी लेकिन आफीफा सोई थी, मैं बोली उठाऊंगी नींद खराब होगी फिर चिड़चिड़ करेगी, इसे अच्छा सोने देती हूँ। तो देखिए आफीफा रेडी हो गई है और इसके अब मैं बाल नहीं बांधती हूँ क्योंकि जब इसके बाल ना इसके अब्बू छोटा कराने लेके गए थे ना तो अहमद की तरह कटवा दिए थे, बहुत ही छोटे हो गए थे लड़के लोग के स्टाइल का। हालांकि मैं बोली थी सिर्फ इसे सेट कराना है बेबी कट, लेकिन छोटे हो गए थे जब से मैं इसके बाल ही नहीं बांध पा रही हूँ। तो इंशाल्लाह ईद तक के थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर ईद में बांधने लायक भी हो जाएंगे। तो अब हम लोग रेडी हो चुके हैं, आफीफा भी रेडी हो चुकी है और मैं बुरखा पहन रही हूँ। तो आफीफा को ना बहुत समझ में आता है, नकाब पहने लग जाएंगे ना तो उठा कर देने लग जाएगी, ऐसी अहमद भी था। जैसे नकाब पहनेंगे ना दुपट्टा नोज पीस सब खुद से ला कर देगा, जल्दी जल्दी पहनो और भागो। हो गई नमाज तुम लोगों की? तुम्हारी बाकी है? हाँ, वाह, ये किसका? अली के गिलास पर रखे थे गिलास। ये अच्छा, यही तुम बोल रहे थे? किधर से लाए थे? जो एग्जीबिशन लगा हुआ है उसमें पापा का क्या बोलते हैं उसको, मदनी बाजार है अंदर जो लगा हुआ है। इसे इसको धुलने के लिए कुछ मिला कि नहीं? 50 रुपए के गिलास में धुलने के लिए। अच्छा आज संडे था, मुझे जाना था, चलोगे क्या? काफी जुगुशुरी संडे की, ज्यादा बाजार बहुत गर्दी रहेगी। अभी और कब लास्ट मिलोगे? कितना दिन बचा हुआ है चीना लेने के लिए? ना भाई मछली की चप्पल हार वगैरह लेगा, थोड़ा कमजोरी की वजह से सर दुखने लग गया है। आधा सर ऐसे रोज़ा लग जाएगा ना तो आधा सर दुखेगा, फिर खा पी लेना या फिर ना वो एक बार ना सहरी में क्या मतलब शायद तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, जैसे ही मैं पोछा पूरा रात भर दुखा और फिर पोछा लगाने के लिए चालू की ना वापस से दुखने लगा। मैं बोली कहीं तुम्हारे जैसी प्रॉब्लम फेको तो नहीं हो रही है, इतना ही सही दुखता लेकिन हाँ इतना ही दुखेगा, बहुत परेशान मैं बोली अल्लाह खा पी नहीं रही, कमज़ोरी से कोई बीमारी ना पकड़ ले। हो सकता है वो खाने पीने सूरज इधर है उधर ले, मेरे मोबाइल में ना बराबर नहीं दिखता है। इस कल ना मालूम है मेरी बहन के उसमें बना रही थी आईफोन में, मैं अभी ये कैसे सूरज दिख रहा है मगर मेरे मोबाइल में बराबर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर उसके मोबाइल में लेंगे ना तो एकदम क्लियर पूरा जो कलर का है वही कलर का दिखेगा, इसीलिए लगता है आईफोन लेना पड़ेगा। वीडियो में तो वो इन लोग ने जो करे वो ये दो लोग इन लोग जो करे थे वो मैं सोच रही हूँ कि बिल्डिंग छोड़ के ना कहीं चौल रहे, चौल में टेरेस वगैरह रहे, खुला खुला घर रहे।
चौल है कि चौल भी वापस आने में मुझे और ऐसे खुद की जमीन लेकर अपनी तौर तरीके से बनवाए। हाँ मगर अब ऐसा लगता है धीरे धीरे ना मुंबई में चौल नहीं रहने वाली, सब तोड़ ताड़ के बिल्डिंग ही जाने वाले हैं। अच्छा जिन लोगों को बंगला वगैरह रहता होगा तो उन लोगों को नहीं तोड़ सकते ना, वो भी जाएंगे। उठा के ग्रिल में रख दो। उठा के रखो ग्रिल में लेके जाके। वो नहीं आएगी, उसको उठाना पड़ता है। चली देखो कितने प्यार से देख रही है, ये कौन है छोटा छोटा पापा, जल्दी उठाओ। तुम आवाज नहीं करो, अरे लगा काटती नहीं है सोनू, वो आ रही है तुम्हारे पास प्यार करने के लिए। चलो उठा लो जल्दी से। नहीं काटती है, उठाना रे। लगता अब्बू आ गए, अब्बू अभी उठा के छोड़ेंगे है ना, देखूं अब्बू आए।